Hello, welcome students to our new lecture of BCom IT. Today's topic is Microsoft Office. So firstly, we can see the introduction of Microsoft Office. Microsoft Office, it is a graphical word processing program that user can type, and it is made by the Microsoft. The purpose of Microsoft Word, it is allowed to user type and save the document. For example, you can create a resume, you can create a letter writing in the Microsoft Word. So firstly, we can see how the Microsoft Word will be the open in the PC, open on the PC, sorry. So firstly, click on a start button, then go to the all programs, then Microsoft Office will be the show the four items, that is Microsoft Office Tools, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint and Microsoft Office Word 2003. Here the version are different, like 2003, 2005, 2007, 2010, etc. So after clicking on Microsoft Office 2003, you can see the this window will be the open. आप जब Microsoft Office open करते हैं तो Microsoft Office का version different होता है, but वो Windows में यही contents same रहते हैं. So firstly, जो contents आपको show कर रहे हैं, firstly title bar, then menu bar, tool bar, then cursor आपको eye ऐसा दिख रहा है cursor जहाँ पे है. तो आई मीन्स इंसर्शन बटन, जहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट्स टाइप करना है वो इंसर्शन के लिए आई कर्सर दिखा रहा है. बाकी न्यू एम्प्टी डॉक्यूमेंट्स, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो एम्प्टी है. एंड द विंडोज कंट्रोल्स लाइक मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड कंट्रोल बटन. जब आप माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते हैं, वर्ड ओपन करते हैं, तो ये विंडो आपको ओपन होता है. ये विंडो में आपको क्या क्या है ये आपको ये विंडो में शो कर रहा है. नेक्स्ट बटन, दैट इज आप जब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो, आप जब डॉक्यूमेंट्स जब टाइप करते हो, विंडोज जो एम टी आपका शो कर रहा है, आप जब डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हो, तो डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के बाद आपको एक मैसेज दिखाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स सेव करना है. तो सेव करने के लिए बाय डिफॉल्ट नेम रहता है डॉक्यूमेंट वन. दर बाय आप डॉक्यूमेंट वन नाम से भी सेव कर सकते हैं, और यू कैन आइदर चेंज इट बाय योर सेव बटन, बाय योर ओन नेम और डिफरेंट नेम इन सेव बटन. सो फाइल मेन्यू में आपको क्या क्या ऑप्शन रहते हैं. फाइल मेन्यू, मेन्यू बार में जो आपने फर्स्टली देखा था कि मेन्यू बार, जब मेन्यू बार में आप शो कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि न्यू है, ओपन है, क्लोज है, सेव एज है, फाइल सर्च है, आपको जो फाइल सर्च करना है कि, और डिफरेंट ऑप्शन है लाइक प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट सेटअप है, और सेंड टू द प्रिंटर है, और एग्जिट है. लास्ट ऑप्शन होता है एग्जिट, जो कि मेन्यू बार में आपको शो करता है. आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको दीज आर द ऑप्शंस विल बी द सेव होते हैं. ओके, नेक्स्ट. अभी आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ मैं कि आप एक पैराग्राफ टाइप करना है. आप पैराग्राफ में आपका नेम ओन टाइप करना है, एड्रेस टाइप करना है, आपका एज टाइप करना है, वेयर आर यू वर्किंग, आप वर्क कहाँ कर रहे हैं, आपके फेवरेट थ्री कलर्स है, और आपका फेवरेट फूड, ड्रिंक, हॉबीज एक्सेट्रा आपको टाइप करना है. ये आपका सबका एक्सरसाइज है, आप सबने ये घर पे ट्राई करके देखना है. फाइल में जाके आपको पता है वर्ड कैसा ओपन करना है, या फिर आप फिर से एक बार वीडियो को बैक से स्टार्ट करके देख सकते हैं कि आपको एमएस ऑफिस कैसे स्टार्ट करना है. आप मेन्यू में जाके शो कर सकते हो. ओके, आफ्टर क्लिकिंग आपने जो आपका पैराग्राफ दिया था मैंने, आपने नेम एक्सेट्रा एज वगैरह टाइप करने के बाद अपने को उसको फॉर्मेटिंग करना है. मीन्स आपको उसका स्टाइल चेंज करना है. आपको उसको फर्स्टली आपको होल पैराग्राफ को या सिंगल वर्ड को आपको चेंज करना है, या अपने को सेलेक्ट करना है. फर्स्टली वो डॉक्यूमेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है, देन कट कॉपी पेस्ट. फर्स्टली आपको फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं कट कैसा करना है. एडिट मेन्यू में जाना है, फर्स्टली आपको कट करना है. यहाँ पे मैंने जो ब्लैक दिख रहा है वो मैंने कट करना है, और दूसरे डॉक्यूमेंट में वहाँ से आपको कट करके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट करना है. एडिट मेन्यू में आपको पेस्ट ऑप्शन दिखता है, तो पेस्ट करना है, तो आपको जहाँ पे पेस्ट करना है एडिट मेन्यू में आपको कर्सर वहाँ पे वो एज लोकेशन पे लेके जाना है और पेस्ट करना है. ओके, सो फर्स्टली आप हमने ये एक्सरसाइज में देख लेंगे अपन. फर्स्टली हमने क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, सॉरी फर्स्टली अपना कंप्यूटर स्टार्ट करना है, स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड पे ओपन करना है। वर्ड पे ओपन करने के बाद आपको ये विंडो शो होगा। ये विंडो शो होने के बाद में आपको टाइटल बार कौन सा है, मेन्यू बार कौन सा है, टूल बार कौन सा है, कर्सर और ये डिफरेंट डिफरेंट आपको शो कर रहे हैं। नेक्स्टली अपने को जो डॉक्यूमेंट्स सेव करने हैं वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वन नाम से बाय डिफॉल्ट रहता है या अपन ओन नेम से अपन चेंज कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, दीज आर द ऑप्शंस इन द फाइल मेन्यू। आपको सबको एक एक्सरसाइज है कि आप सबने एक्सरसाइज करना है। आपका खुद का नेम, एज, एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट आपने टाइप करके देखना है और वो डॉक्यूमेंट सेव करना है फाइल मेन्यू में जाके माई सेल्फ नाम से। क्या नाम से? माई सेल्फ नाम से आपको ये फाइल सेव करना है। फॉर्मेटिंग करना है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स देन फॉर्मेट करना है मीन्स बोल्ड करना है, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो फर्स्टली आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। आप एक डॉक्यूमेंट्स कॉपी करके, कट करके, कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट फाइल में आप वो सेम कंटेंट्स पेस्ट कर सकते, लाइक कट एंड पेस्ट करके। फाइल एडिट में जाके आपको कट करना है, फिर एडिट में जाके आपको पेस्ट करना है, या फिर आप माउस का राइट क्लिक कर करके भी आप ये कट एंड कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आप हम डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आर अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्टली यू कैन डन द एक्सरसाइज विच विल बी द गिवन इन दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।